अभी एक बड़ा समस्या और विवाद चला जिसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और अभी आपको क्लास देने से 15 मिनट पहले न्यूज आ चुकी थी जब ऑप्शनल पढ़ा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मैंडेशन है हर दुकानदार को अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि ये जो कैफे वैफे और दुकानें हैं उनमें आपको अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा विद योर रजिस्ट्रेशन आईडी। ये विवाद क्या था इसको समझिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं से नाम पूछे गए। नहीं, इन्होंने बोला जो गुड्डू है, जो सोनू है, सोनू ये कौन सा सोनू? जो सोनू है और जो मोनू है मोनू ठीक है, पहले लिखो सही और जो लल्लन है और जो छेदीलाल, छेदन, छेदिन, ठीक, इन सबको अपना पूरा नाम दे। इन्होंने कहा भाई दुकान पे क्यों लिखा जा रहा है इसका भी बता रहे हैं। एक यात्रा निकलती है कावड़िया की, सावन के महीनों में बहुत फेमस यात्रा है। इसमें क्या होता है, शिव भक्त एक डोलची लेते हैं बहुत हैवी और उसको लेके वो निकलते हैं और नंगे पैर चलते हैं, बहुत किलोमीटर चलते हैं। और धार्मिक आस्था की बात है तो धार्मिक आस्था में कई लोगों का व्रत भी होता है, कई लोग पूरी तरीके से शुद्धता लेके बैठे होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन्हें ये देख रहा है कि स्वच्छता शुद्धता की पहचान कहां से होती है। तो इसकी बात भाई प्रशासन के पास पहुंची, फिर प्रशासन ने बाबा जी को बताया, बाबा जी दमथन गए, कह रहे ये कर दो, नेम प्लेट लगा तो सकते। अब हर दुकान के आगे नेम प्लेट लगेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमोत्तर भारत जो है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है हमारा, वहां पर 90% बिजनेस ओनर जो है दे आर मुस्लिम एंड 10% सारे हिंदू। तो इसमें 4-5 दिनों से विवाद चल रहा है, योगी सरकार घिरती हुई दिख रही है, लोग कह रहे थे फैसला वापस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं फैसला इसका वापस नहीं जाएगा, जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है और ये सबको नाम डालना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कराते हो, कह रहे हैं हाँ सर, तो कह रहे उसमें आप पूरा नाम डालते हो, व्यापार मंडल का सर्टिफिकेट बनवाते हो उसमें पूरा नाम डालते हो, हाँ, तो कह रहे दुकान पे अपना पूरा नाम डालने में तुम्हें क्या करना। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। मान लो जिशान है, जिशान के हम भी जाते हैं, आंचल भी जाते हैं, तुम भी जाते हो, हम सब लोग वहां पे वो भी खाते हैं, मोमोज भी खाते हैं, चिली पनीर भी खाते हैं, हमने ये थोड़े नहीं देखा मुस्लिम खाना अच्छा बनाते हम खा लेते, समझो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिंपल सी चीज है, बिजनेस में आपकी क्वालिटी काउंट करती है, आप अपनी क्वालिटी पे टिके रहो। आप कावड़ियां आ रहे कि नहीं आ रही है उनकी प्रॉब्लम है, ये आपके प्रॉब्लम नहीं है, तो सीजनल है ना वो। और दूसरा आपको दुकान पे नेम बोर्ड डालना है तो ये मैंडेशन है, इसको धार्मिक स्थिति से सामाजिक स्थिति से देखना होगा। अगर ये एज एन आईएएस ऑफिसर और एज एन आईएएस एस्पिरेंट आप बात करो तो सिंपल सी चीज ये है कि यहां पर नेम प्लेट की बात इनिशिएटेड बाय मुलायम सिंह, जब मुलायम सिंह की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, ये कानून बोला था पहली बार, ना कि योगी। सबसे पहली बात मुलायम सिंह ने कही कि सबको अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, तभी अवध व्यापार मंडल बना था, व्यापार मंडलों में सर्टिफिकेशन आए थे और दुकान की खोपड़ी के पीछे लगाना जरूरी हो गया था, अब नहीं है, वापस ही तो बुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। योगी का कहना है कि भाई अब अपनी दुकान के आगे डाल दो गुड्डू टी स्टॉल, आगे डाल दो, दोनों लोग डाल दो गुड्डू के आगे, एक सलीम से एक गुड्डू है, एक लाल लाल गुड्डू। इन्होंने बिल्कुल नहीं मना किया, इन्होंने कहा दोनों डालो। फिर कई लोग आ गए पॉलिटिक्स खेलने उसमें, उन्होंने कहा आप देश को बांट रहे हैं। भाई देश बांटने वाली बात कहां से आ गई, और जाति धर्म की बात यहां का। भाई मैं अगर किसी दुकान पे जाके पूछूं, मान लो मेरा आज व्रत है मुझे चाय पीनी है छोटा सा टेबल पे, और मैं ठेले वाले से पूछूं भैया कौन हो, का भैया मुस्लिम है, मान लो मैं ना पीना चाहूँ तो मुझे जबरदस्ती नहीं करेगा। फिर मैंने उससे बात की, मैं जानता हूँ उसे,
उससे कहा भैया नहा लो या हाथ धो लो ठीक से, बर्तन धो लो फिर चाय बना लो, वो बना दे तो हो सकता है। मैं फिर सेम चीज़ तो बात ही जा रही है कि अगर नाम लिखेंगे तो हम पूछ तो सकते हैं कि भैया सफाई से सामने बना देंगे। अगर इसको आप राजनीति में ले जाते तो गलत है। जो चार पांच दिनों से लगातार द्वंद्व में चल रहा है कि नेम प्लेट नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए, ये होगा तो फिर हम अपनी कुर्ती पे लिखा ले, कुर्ते पे लिखा दे, ये लॉजिक ही नहीं है भाई। कुर्ते पे लिखाने से जीवन में कभी कुछ नहीं होता। यहां पे लिखा के मैं हिंदू, यहां लिखा के मैं मुस्लिम हूं, आप अपने धर्म की श्रेष्ठता नहीं दे दोगे। ये लोगों को नहीं समझ में आता। यहाँ पे नंबर प्लेट एक लीगल इंटाइटिटी की तरह मांगी गई है, बिकॉज यू आर अ बिजनेस ओनर, आपको अपना नाम डालना है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। इसका मतलब ये इनको डालना पड़ेगा और पूरे सावन यात्रा चलेगी। ये एक महीना बहुत पीक है उसका। अब यहाँ पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स के भी इश्यूज आ रहे हैं। इस चीज कहेंगे सिक्योरिटी थ्रेट्स के। यहाँ पर क्या है, कावड़िया यात्रियों पर अटैक किया जा सकता है। जो इश्यूज आए हैं इसका कानून आप लाते, बिल्कुल लाते, यात्रा के बीच में ना लाते, या तो पहले लाते या बाद में लाते। भाई आप किसी के इमोशनल सेंटीमेंट्स के साथ खेल भी तो रहे। कायदे से आप कानून लाए बिल्कुल सही है, मना नहीं किया, बहुत अच्छा कानून है, लागू भी होना चाहिए, बट इसी टाइम पे क्यों? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज लड़ोगे? कायदे से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। बट अगर एज एन आईएएस एस्पिरेंट आप बात करोगे, हंड्रेड परसेंट होना चाहिए और पूरे इंडिया में होना चाहिए। जितनी दुकानें हैं सब में ओनर को अपना नाम लिखना चाहिए, हर ओनर को अपने बारे में सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देंगे तो दिक्कत है, अगर वो देंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये कावड़िया यात्रा क्या होती है, अब जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कहां से कहां तक जाती है बताओ बेटा, ये किस जगह से स्टार्ट होती है कहां पे खत्म होती है बोलो? कावड़िया यात्रा कहां से स्टार्ट होती है कहां पे खत्म होती है? हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, कहां से स्टार्ट हो गई कावड़िया यात्रा, कहां खत्म होती है बताओ? भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण बताएं, भक्ति आनी भी चाहिए। यही चीजें जब कुछ पॉलिटिकल लीडर बोल देते हैं जो खुद को हिंदू बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, उनको खुद ही नहीं पता कावड़िया यात्रा होती। समस्या यही है हमारे देश, कहां से स्टार्ट होती कहां खत्म होती है बताओ? बोलो। अरे तुम तो महाकाव्य लो, चरण कहां है तुम्हारे? बताओ कहां से कहां तक? हमने सच मारा है, बिल्कुल नहीं मिला। ये हमें भी नहीं पता है, वही देख रहा देखो। द कावड़ यात्रा ऑल्सो नेन एज कनवर यात्रा ऑल्सो नेन एज कावड़ यात्रा इज पिलग्रिमेज डेट बिगिन्स ऑन जुलाई 22 एंड एंड्स ऑन अगस्त 2, 2024, विच इज अ सावन शिवरात्रि। ड्यूरिंग दिस डिवोटीज लॉर्ड शिवा कैरी सेक्रेट वाटर फ्रॉम द गैंजेस और द सोर्स, ठीक है, एंड ऑफर ऑन द शिव टेम्पल पर्टिकुलरली इन हरिद्वार उत्तराखंड एंड बैद्यनाथ इन झारखंड। या तो हरिद्वार जाएंगे या झारखंड जाएंगे, और झारखंड में बैद्यनाथ जाएंगे। और इसका टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 8, 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
पर 105 किलोमीटर जाते हैं सबसे कम, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो जनरली है वो है गंगोत्री गोमुख नीलकंठ, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। नीलकंठ टेम्पल सबसे पास है उत्तराखंड का, वहां तक जाने के लिए इनको 140 किलोमीटर चलना पड़ेगा।
यहाँ पर क्या है, सेफ्टी के लिए, हेल्थ प्रोसेस के लिए क्राउड एक साथ चलती है, पर्सनल हाइजीन बनाने के लिए मेडिकल सप्लाई क्रूशियल है, जो लेके आपको स्वयं की चलनी, आप किसी से मेडिकल वो नहीं ले सकते। डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि गहरवाल हिमालय से जो लेके लोकल होते थे वो तो लेके चले जाते थे मटके, अब ये जब डंडे पे रख के नंगे पैर चला जाता है तो छाले बहुत होते हैं, और कभी कभार लोग चार धाम की यात्रा भी इसी में ठान लेते हैं तब भी बीमार पड़ जाते हैं। कांवड़िया यात्रा 2024 में जो स्टार्ट हुई है, 22 जुलाई से 6 तक चलेगी, और ये बैद्यनाथ तक जाएंगे और गंगा का पानी लेके जाएंगे। कहाँ से? उत्तराखंड गंगोत्री से झारखंड तक, ये सबसे दूर का डिस्टेंस, और ये सबसे कम लोग जाते हैं। आस्था के आगे चैलेंज तो होता ही नहीं, कभी नहीं होता, ये बिल्कुल हम मानते हैं, बट आस्था का रूल भी होता है। वो रूल ये है कि पर्सनल हाइजीन का मतलब ये है कि जैसे आप कांवड़िया यात्रा चला रहे हो, कांवड़िया यात्रा आपकी चल रही है, बहुत अच्छी चीज आप चल रही है, हमने बिल्कुल माना। 100 लोगों की फैमिली से 10 लोग ऐसे हो जो मोटर बाइक या कार लेके चले चले उनके साथ में, और वो सारी एसेंशियल चीजें खुद रख ले अपने पास, रास्ते में बनाते रहते थे। जो डिस्प्यूट्स हैं वो अपने आप खत्म। हमने कभी कावड़ यात्रियों को कुछ मांगते हुए नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में किसी भी कावड़ यात्री को किसी से पैसा या कुछ खाने के लिए मांगते हुए नहीं देखा। आज तक का रूल है मेरा, किसी को मैंने ये नहीं कहा है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे पैसा दो, तो वो कैरी करके चल रहे हैं, तो इस चीज को आप इग्नोरेंस में ले नहीं सकते। अब दुकान में नाम लगना एक सेकेंडरी चीज है, उसको इसके साथ जोड़ के देखा नहीं जा सकता। पहली चीज, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांवड़ियों को हम भी सेवा देते हैं, क्या सेवा आप दोगे? दे आर नॉट आस्किंग फॉर वाटर, दे आर नॉट आस्किंग फॉर शेल्टर, दे आर नॉट आस्किंग फॉर फूड, बस वो एक सेफ पाथवे मांग रहे हो, चुपचाप जा रहे हैं। हाँ, अगर वो बीमार है तो मेडिकेशन ले सकते हैं आपसे, भाई लोगों चक्कर आएगा गर्मी में, धूप है, आपको लग रहा है आज बादल है, रोज बादल नहीं है, और सुबह स्टार्ट करते हैं रात को एक ही जगह सब लोग रुकते हैं, रोड पे रहेंगे, कुछ सोएंगे कुछ जगह रहेंगे, फिर कुछ सोएंगे फिर कुछ जगेंगे, फिर सब सुबह दोबारा निकल जाएंगे नहा धो और नंगे पैर चलते हैं, मतलब इतने मोटे मोटे छाले आते हैं पैरों। अभी आप ठान के करेंगे यात्रा तो आपको एहसास होगा कितना पेनफुल है वो। हर शहर की सड़क अच्छी नहीं है, हर शहर की सड़क में गंदगी है, सफाई भी नहीं है, छाले हो जाते हैं मोटे मोटे, मतलब कांवड़िया यात्रा जब खत्म होती है बंदा 1 महीने चल नहीं पाता तभी से, और ये कंधे पूरी तरह से झुक चुके होते हैं, स्वेल हो चुके होते हैं, ऑर्थोपेडिक इलाज चलते हैं महीनों उनके, क्योंकि तो एक साइड रख के घूमते हो, ऐसे नहीं रखते, एक साइड रखते हो फिर इधर करते हो फिर इधर करते हो, और दोनों मटकों में पानी है वो गिर नहीं सकता क्योंकि दोबारा भरने नहीं जाओगे, वो दोनों मटके आप जमीन पे भी नहीं रखोगे, कई सारे रूल्स उसके भी होंगे। बट ये धार्मिक आस्था है, और उस धार्मिक आस्था को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि भाई कांवड़िया यात्रियां जा रहे हैं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जब पहुंचेंगे तो वहां पर दुकानों में सबका व्यक्तिगत नाम विवरण पड़ा होना चाहिए, तो इसको गलत सेंस में जो ले रहा बोले, बट वास्तविकता ये है कि इसको गलत सेंस में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आपको मैंडेशन में नाम डालना पड़ेगा। शॉप का नाम लिखने के मतलब नहीं है, शॉप के ओनर का नाम लिखने से, दोनों में डिफरेंस है बेटा, यहां पर बात आ रही है मालिक का नाम लिखने से। यहां पे मालिक का नाम चाहिए, राम राम चौराहा है कपूरथला में अलीगंज के आगे, वहां जाइए, वहां राम राम स्वीट्स है, ठीक है, राम 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 चौराहा भी है वहां पे बड़ा सा। यहाँ का ओनर हिंदू है, इसकी श्योरिटी आपको कैसे पता चलेगी, या मुस्लिम है कैसे पता चलेगा? एग्जांपल ये आशीर्वाद बुक रिपोर्ट है, मुस्लिम ओनर है, नहीं मुस्लिम उनका कभी फोन पे और ये सब यूज करके देखो, अहमद करके आपका नाम ऐसे माता जी का ऐसे करके डालने बुक रिपोर्ट है, समझो क्या है यहाँ पे बात है कि आप ये डाल रहे हो, ये तो हो गया बिजनेस का नेम, बिजनेस के नेम के लिए बात ही नहीं की इन्होंने, कहा ये सही है, बट इसका रजिस्ट्रेशन किस ओनर के नाम पर है उसकी डिटेल आपको नीचे डालो, ये और ये सही गलत की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया ये डालना पड़ेगा,
तो बात ही करो, हम आप सरकार से ऊपर कोई भी है तो वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद ही इंटरव्यू में अपना डिसीजन दे दिया कि भैया डालना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा, बात करो। सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया कि नाम डाल दो चुपचाप। अब तुम लोग एमएलए एमपी विधायक, और मजेदार बात सुनो, जो भाई साहब लड़ रहे हैं उनका नाम है उवेशी। कहां से लड़ रहे हैं? अपने क्षेत्र से। और वहां पर हर दुकान के आगे लिखा हुआ है करीम अहमद, सबके नाम दलवा रखे अपने क्षेत्र में। और दूसरे राज्यों से तो बड़ी दिक्कत है, वहां पे हिंदुओं के भी नाम पड़े, और तुम्हें दूसरे राज्यों में बहुत परेशानी हो रही है कि हमारे राज्य में पड़ा है तुम्हारे राज्य में कैसे पड़े, कहीं नहीं पड़ेगा। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए पूरे इंडिया में जितनी दुकानें सब अपने नाम डाल दो। ये फोन पे गूगल पे ने सारी पोले खोल दी है लोगों, क्योंकि अकाउंट डिटेल का नाम आता है उसमें। उसी से तो हम जाने थे राम राम स्वीट हाउस चले जाना, यहाँ का मालिक राम आश्रय थे, हिंदू ही, टेंशन मत लो। बट ये कि अगर इसी जगह होते सिद्दीकी साहब या खान साहब, तब देखो यहाँ पर ये नहीं कह सकते, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ब्रांड है, सुना होगा सबने, सुना है इसका नाम? ये यूके की नाम, बाटा का नाम सुना है? हाँ। कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड के पास एक कंट्री है उसकी कंपनी, इंडिया नहीं। पर हमें बड़ा अच्छा लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर भारतीय हो गए ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर के हर एक प्रोडक्ट किसके हैं। और मजेदार बात बताता हूँ, एक कंपनी का नाम है पीटर इंग्लैंड, ये इंडियन है। पीटर इंग्लैंड इंडियन, ये पीटर इंग्लैंड है किसका ब्रांड आपको पता है? महिंद्रा बोलो, पीटर इंग्लैंड इंडियन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हम लंदन का। तो भाई ये नाम डालने की स्वायत्तता है ना हमारे पास, और हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम ही टचिंग है, हिंदुस्तान खरीद लिया। अब जैसे इंडिया की बाइक बोली जाती है राजदूत, इसके बाद एक और बाइक आती है जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड। आपको पता है रॉयल एनफील्ड वॉज द बाइक मेड फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड बाई यूके फ्रॉम देयर विलेज एनफील्ड, बट इट वॉज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन कोलकाता ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन एंड रिसोर्सेज आउट देयर, हेंस नाउ इट इज इंडिजीनियस कंपनी। ये ब्रांड किसका है? लंदन का। चला कौन रहा है? हम। आज ओनर कौन है? हम। राजदूत की मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले यूके करता है, आज ये पूरी तरह इंडिजीनियस। तो ये भ्रामक चीजें हैं, इन भ्रम से दूर हटना जरूरी, इसलिए ओनरशिप डालना कभी बुरा नहीं होता। किस चीज का डर? हम चला रहे हैं दुकान, चला रहे, कस्टमर आ रहे हैं वो खा रहे। अगर आपको इस चीज का डर है कि आपकी नॉनवेज की दुकान है और आप पंडित हो और कोई खाने नहीं आएगा, आपके टेस्ट से खाने आएगा। अब सिंध बिरयानी कॉर्नर, ठीक है, हम लोग हो गए, ठाकुर हो गए, चुंगी का कॉर्नर वाला सगे भाई चलाते हैं अभय सिंह, चुंगी के मोड़ पे जो किनारे वाला है सबसे पहला वो हमारा ही, ठीक है, अभय भैया ही बैठते हैं, मतलब सगे भाई हैं एक तरह से रिश्ते में। हाँ, सबसे कॉर्नर में वो है ठाकुरों का है, इसीलिए मंगल को बंद रखते हैं हम लोग, नवरात्र पूरा बंद रखते हैं, बगल में लोग नहीं बंद रखेंगे। उसी के बगल में आगे कौन आया? टुंडे का भाभी चला गया, नहीं चल पाया।